नमस्कार। वंदे भारत की मेंटेनेंस की सीरीज में जो हम फिल्टर क्लीनिंग सीख रहे हैं, अगले चरण में हम आज सीखने वाले हैं जो हमारे टीसी कोचेज में जो हमारा बेबी कंप्रेसर होता है। बेबी कंप्रेसर उसको जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैट के कंपैरिजन में बहुत जो है छोटा सा एक कंप्रेसर दिया हुआ है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब आपके पास ओएचई की सप्लाई नहीं है, उस कंडीशन में हमें सिस्टम को जो है चालू कैसे करना है। जब तक हम पेंटोग्राफ नहीं उठा पाएंगे, हम कुछ भी नहीं चला सकते। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा कंप्रेसर है जो हमारा बैटरी से चलने वाला है, यानी जब आपकी ओएचई भी जो है आपके सप्लाई पे नहीं आ रही है, उस समय जो है बैटरी की सप्लाई लेकर आपको जो है इस कंप्रेसर को जो है रन कराकर उसको फीड करते हैं। तो यानी ये जो फीड देने वाला है प्रेशर का, वो देने वाला है हमारा एक तो पेंटोग्राफ को और दूसरा वीसीबी को। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एमसीबीज कहाँ पर है, और उसके बाद जो है नीचे चल के देखेंगे कि इसके जो फिल्टर एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको बेबी कंप्रेसर के बारे में देंगे। मैं आ चुका हूँ टीसी कोच के ऊपर। जान लेते हैं कि जो है हमारा जो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर है उसकी जो है एमसीबी कहाँ पे रहती है। तो कोच के एक एंड पे, जिस एंड पे आपको पेंट्री दिख रही है, पेंट्री के सामने हमको जो है पता है एक हमारा ईसीसी पैनल होता है। तो पैनल अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसकी जो एमसीबी है एसी की, वो ये है जो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर की एमसीसी जो एमसीबी है वो ये है। इसके अलावा जो ये स्विचेज जोन वाला जो बॉक्स है हमारा, इसको भी खोल के अगर आप देखेंगे तो एसी का जो मोड सिलेक्शन है उसका स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। इसको ऑटो पर ही रहने दें, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि आप देख रहे हो कि आपका जो जो प्रेशर गवर्नर है वो उसको एक रिक्वायर्ड प्रेशर से पहले ही जो है मतलब कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक हो रही है कि आपको अचीव जो प्रेशर हमें जो करना है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैनुअली उसको जो है कर देना है कि भाई ऑन ही रहे, तो उस कंडीशन में आप इसको ऑन कंडीशन में रखेंगे। अदरवाइज ऑटो में रखने से क्या रहेगा कि जो आपको जो 6 से 7 के बीच में जो उसको मेंटेन करना है प्रेशर, जो हमने प्रेशर गवर्नर आपको नीचे दिखाएंगे भी चल के, उस मोड पे ही अगर आपने रखना है तो उसको ऑटो मोड पे रख देंगे। बाकी एसी अगर आप यहां से ड्रॉप कर देंगे, अगर रात को मेंटेनेंस के दौरान आप क्या करने वाले हैं, आप ओएचई जो है कट ऑफ करनी पड़ती है क्योंकि हमें रूफ पे काम करना पड़ता है पेंटो की, तो उस समय आपको ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर अपना बंद कर देना चाहिए क्योंकि बैटरी वो कंज्यूम करता रहेगा अगर आप उसको जो है नहीं बंद करेंगे। ये हम टीसी कोच के नीचे आ चुके हैं। आप देखेंगे टीसी कोच के जो है एक एंड पे फुटबोर्ड के पीछे आपको जो है कंपोनेंट दिख रहा होगा, जिसके आसपास U12 पैनल है। ये है हमारा बेबी कंप्रेसर, जिसे ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर भी बोलते हैं। अगर पास आके देखें तो सबसे जो मेन कंपोनेंट है इसका वो ही रहेगा इसकी मोटर इनपुट। जो मोटर के लिए इनपुट रहेगा पावर का वो 110 वोल्ट डीसी रहेगा, और हमको क्योंकि बैटरी से इसे चलाना है इसलिए ज़्यादा इसका पावर कंजम्पशन है नहीं, केवल 800 वॉट की ये बैटरी है। बैटरी ऑपरेटेड एक जो है हमारे पास मोटर है। मोटर के आगे एक सिंगल सिलेंडर जो है यहाँ पे हमारा कंप्रेसर का जो है लगा हुआ है। इसके दो इंटेगेयर फिल्टर्स हैं, वो भी हम यहाँ भी दिखा देंगे। बगल में जो इसका पैनल है U12, इसे अभी खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। वीरेंद्र जी से खोली, देखिए U12 बॉक्स हमारा खुल चुका है। खुलने के बाद इसमें जो पार्ट्स है वो भी आपको बताता हूं। जैसे ही हमारे एयर कंप्रेसर ने, यानी हमारे बेबी कंप्रेसर ने जो है एयर बनाई, एयर बना के जो है इस पैनल में आई, सबसे पहले कहां पे आएगी, सबसे पहले आएगी हमारी जो है ये जो सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व की सेटिंग अगर आप देख रहे हो, ये जो U03 है, यानी ये वाला कंपोनेंट है, ये हमारा सेफ्टी वॉल्व है, और इसकी सेटिंग जो है 10 बार पे की हुई है। 10 बार के बाद इसके बाद हमारे पास ये दो आपको जो है चेक वॉल्व दिख रही होंगी, U04 के नाम से है। एक चेक वॉल्व जो हमारा जो बेबी कंप्रेसर ने जो फीड दे रहा है उसके पास पे पड़ेगी, और दूसरी चेक वॉल हमारी पड़ेगी जो MR की लाइन आ जाएगी। जैसे आपने जो है कनेक्ट कर लिया, पेंटो से जो है पावर आ गई और उसने जो हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर वगैरह सब कुछ चला दिया, मैक चल गया, तो जो MR की जो पाइपलाइन है उसमें भी प्रेशर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर से आपको दिखाऊँ, ये जो एक लाइन आ रही है जिसमें एक छोटी सी एक जो है आइसोलेटिंग फॉग भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये ऊपर चली जाती है। ये हमारे जो प्लग डोर्स हैं, यानी जो मेन डोर्स हैं, उसके लिए सप्लाई जा रही है। उससे ही पहले ही जो हमने जो है MR की सप्लाई ले ली है। तो ये जो हमारा 32 नंबर का जो पोर्ट है यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, इस पर जो सप्लाई आ रही है, यानी जो ये पाइपलाइन है
ये हमारा MR से जो आती हुई पाइपलाइन है वो है। तो जो MR की पाइपलाइन आती है अपने एक जो है चेक वॉल यानी U04 में आ जाएगी। दोनों चेक वॉल एक से MR की चेक वॉल पे पाथ पे पड़ेगा, एक चेक वॉल हमारा जो है जो बेबी कंप्रेसर हमारा प्रेशर लाइन बना रहा है उसके पाथ पे पड़ेगा। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट उसके पाथ पे पड़ने वाला है वो है आपका प्रेशर गवर्नर। ये रहा हमारा प्रेशर गवर्नर, आप देख रहे होंगे इसकी सेटिंग जो है 6 से 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो प्रेशर रेंज है उसके बीच में की हुई है, यानी कब चलना है कब रुकना है। एक बार ये क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। प्रेशर गवर्नर उसे 6 से 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को उसे मेंटेन रखेगा। यहीं पे जो है एक छोटा सा इसी सर्किट पे जहाँ पर से प्रेशर गवर्नर ने उठाया एक U08 पॉइंट है। U08 पॉइंट जो है ये है, ये आपका जो है टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर जो है स्पेशल, आप कोई भी अगर आपको कहीं भी जो है डाउट हो रहा है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ जो है प्रेशर की या तो जो है गड़बड़ हो रही है या कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेज हो रही है, तो इसका एक एडेप्टर आता है उसको आप जो है इस पिन में जो है डाल के वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कंप्रेसर ने जो है कितना प्रेशर आपको बनाया है, जो कि जो है आपको डायरेक्टली फीड जो है हमारे सिस्टम को ये दे रहा है। अच्छा, टेस्ट पॉइंट को खोलने का भी तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग जो है जबरदस्ती कर जो है तोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर आप देखोगे जो है यहाँ पर जो है एक बटन टाइप का स्पेशली इस पे दिया हुआ है प्लास्टिक की बॉडी पे, अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसको बस आपने प्रेस कर लेना है और ये सामने से आपका निकल के आ जाएगा। ये जो है आपका टेस्ट पॉइंट है, इसका एक एडेप्टर रहेगा, सीधा इस पे डाला, दूसरे एंड पे जो है पाइपलाइन के जो है गेज रहेगा और गेज पे आपको जो है प्रेशर दिख जाएगा कि प्रेशर कितना हमारा जो है कंप्रेसर बना पा रहा है। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट हमारे एयर सर्किट में पाथ में यहाँ पर से पड़ने वाला है वो रहेगा हमारा U06। इसके इस तरीके का जो है इसके ऊपर जो है इंडेंट हो रखा है। ये क्या है, ये हमारा एयर फिल्टर कंपोनेंट है, यानी जो बाहर के फिल्टर कंपोनेंट दिखाए थे वो तो है ही, एक ये U06 एक एयर फिल्टर कंपोनेंट रहेगा। U06 के बाद जो फिल्टर कंपोनेंट जैसी हमारी जो है एयर क्रॉस करती है उसके बाद ये जाती है हमारा पीछे, इस पर 25 लीटर का जो है यहाँ पे जो है एक एयर टैंक दिया हुआ है। 25 लीटर का एक एयर टैंक पे जो है यहाँ पर सप्लाई हमारी चली जाएगी। 25 लीटर के एयर टैंक के बाद वापस जो है सप्लाई इस पैनल पे आती है। अब इस पैनल पे कहाँ पे आएगी, दो आइसोलेटिंग कॉक्स हमको जो है यहाँ पे दिख रही है रेड कलर्स की, एक है हमारी U09, एक है हमारी U010। अब U09 का क्या है, जैसी मैं U09 को आइसोलेट करता हूँ, U09 को आइसोलेट करने से क्या होगा, देखिए U09 ऐसा समझेंगे कि पाथ में जो एयर सर्किट का पाथ से पहले पड़ती है, अगर आपने इसे आइसोलेट कर दिया तो ना तो पेंटोग्राफ को जो है सप्लाई जा पाएगी ना तो VCB को सप्लाई जा पाएगी। U10 जो है आइसोलेट करता हूँ तो U10 जो है केवल हमारी VCB की सप्लाई रोक देगा, यानी अगर आपको जो है पेंटो प्लस VCB, अगर पेंटो की सप्लाई रोक दूंगा ऑलरेडी VCB का कोई फंक्शन हमारे पास बचता नहीं है, तो अगर पेंटो को करना है आइसोलेट तो U09 का प्रयोग करेंगे, और अगर जो है हमको जो है VCB को केवल आइसोलेट करना है तो U10 यानी U10 का जो है हम प्रयोग करेंगे। अभी आइसोलेटिंग कॉक्स हैं, इसकी एक बारे में जानकारी दे दूं, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है फीडबैक कहीं भी TCMS पे इन्होंने नहीं ले रखा है, तो यानी अगर आप इसको आइसोलेट कर देंगे तो कभी नहीं पता चलेगा कि जो है आगे जो है TCMS पे या फिर DDU डिस्प्ले में जो है नहीं पता चलेगा कि जो है ये यहाँ से आइसोलेटेड है। और एक बार एक हमारे जगदीश जोशी जी इसको आइसोलेट करके दिखा देंगे और आप देखिए। दूसरी भी कीजिए, तो आपने एक और चीज देखी, जब हमने इसे आइसोलेट किया तो प्रेशर जो है यहां से निकल रहा था, इसका मतलब हम जो है अगर इसको आइसोलेटिंग पोजीशन में जो है रखें तो ये हमारा जो जितना भी हमारे जो टैंक का जो प्रेशर है उसको भी जो है रिलीज कर सकता है, यहाँ से जो है उसको जो है बाहर कर सकता है। अभी जो है हमने दो आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर से दिखा दी, U09 और जो है U10। इसके बाद तो हमें समझना पड़ेगा, देखिए हमको पता है कि जब बेबी कंप्रेसर हमने चालू कर दिया, पेंटो ने पावर ले ली, VCB हमने क्लोज कर दी, तो हमारा मैक्स चल जाएगा। जब मेन एयर कंप्रेसर चल गया उसका ही प्रेशर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, जिसकी मैंने आपको MR की पाइपलाइन दिखाई थी, जो कि इस पे जो 32 नंबर का पोर्ट यानी 32 नंबर का पोर्ट है, ये जो सबसे साइड वाली लाइन है ये हमारी जो MR की सप्लाई आ रही है वो है,
अच्छा दो आइसोलेटिंग कॉक दिखाई थी, तो इससे जो निकलने वाला प्रेशर लाइंस है, यानी कौन सा जो है आपका पेंटोग्राफ में जाती है और कौन सा डीसीबी में जाती है, तो ये दो वो लाइंस हैं, यानी जो 29 नंबर पे जो यहाँ पर से लाइन दिख रही है ये जाएगी आपकी पेंटोग्राफ में, और जो ये 30 नंबर के पोर्ट से जो लाइन निकल रही है प्रेशर लाइन, ये जाएगी आपके जो है बीसीबी पे। इतना समझने के बाद हम वापस आएंगे अपने जो है कंप्रेसर पे। कंप्रेसर के दो फिल्टर एलिमेंट्स यहाँ पर से आपको दिखाएंगे हमारे जो है वीरेंद्र जी कि कहाँ कहाँ से जो है इसका जो है फिल्टर एलिमेंट हम जो है खोल लेंगे। देखिए एक जो है हमारे पास जो फिल्टर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो ये है, और दूसरा एलिमेंट आपका जो है ये है, प्लास्टिक की इनकी बॉडी है, प्लास्टिक की इनकी कैप है, जो कि बहुत ज़्यादा हाथ से ही जो है खुल जाता है आसानी से। वीरेंद्र जी खोलिए जरा, जब इसे खोल लेते हैं अगर अंदर आप देखेंगे जो है सिंपल सा एक जो है फिल्टर यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा, फिल्टर एलिमेंट, एक एलिमेंट ये रहा कुछ इस प्रकार से दिखता है, और दूसरा एलिमेंट भी जो है हाथ से बहुत इजीली जो है कैप खोलकर आप उसको निकाल सकते हैं। ये रहा दूसरा फिल्टर एलिमेंट, अगर आप इसको हल्का सा मैं यहाँ पर से आपको दिखाऊं, देखिए इस पे जो है आपको सैंड पार्टिकल्स और जो है मड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, तो रेगुलर इंटरवल्स पे इसकी क्लीनिंग कर लेनी है और एंश्योर कर लेना है कि भाई हमारे बेबी कंप्रेसर को किसी भी तरह का इस प्रकार की जो डर्ट और डस्ट है और सैंड है वो नुकसान ना पहुँचा सके। अब हम इसको जो है एक ब्लोअर की मदद से थोड़ा सा इसे साफ कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारा बेबी कंप्रेसर का जो सिलेंडर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी सरफेस पे भी फिन्स बनी हुई है, तो इसकी भी जो है आप जो है सफाई कर लेंगे, ताकि जो है क्योंकि आपको पता है जो है नेचुरल एयर कूल्ड है, तो ये जो फिन्स है इसकी भी जो है हमें सफाई कर लेंगे ताकि हमारा सिलेंडर जो है ठंडा बना रहे। तो कुछ नहीं करना है, एक जो है वायर ब्रश से उसके जो है फिन्स को रगड़ देंगे अंदर से भी बाहर से भी। अब जो हमने अपने प्राइमरी फिल्टर्स निकाले थे उसको जो है हम फिल्टर को और उसकी कैप को दिखाए गए तरीके से वापस लगा देंगे। ठीक है एक और जानकारी आपको देते हैं, अगर हम अंदर से आ जाएं और बेबी कंप्रेसर को पीछे से देखें, तो पीछे से देखने पे आपको जो है एक तो टैंक हमारा जो 25 लीटर का जो है टैंक है वो क्लियरली दिख जाएगा, उसके बगल में आप जो है यहाँ पे देखेंगे एक जो है फैन भी लगा रहता है। अब ये भी जो है मोटर से डायरेक्टली जो है शॉर्ट ड्रिवन रहेगा, लेकिन फैन यहाँ पे करता क्या है, तो ये कोई कंडेंसर या फिर जो है कुछ भी पार्ट जो है डायरेक्टली है, तो जो ये हमारा बेबी कंप्रेसर है उसकी ये आई आउटलेट, आउटलेट की लाइन आई, आउटलेट की लाइन जो है यहाँ पे एक रेडिएटर यूज करने के बजाय इसमें क्या करते हैं, ये जो आउटलेट की लाइन है उसी से एक जो है एक इस तरीके से एक लूप बना लेता है, यानी डायरेक्टली जो है इसकी जो लाइन है हमारी आउटलेट प्रेशर जो जाने वाली प्रेशर लाइन है जो गर्म लाइन है रेडिएटर डायरेक्टली ना यूज करके वो इस लाइन से ही एक जो है दो तीन लूप्स क्रिएट कर लेता है, तो जो फैन है यहाँ से सक करता है हवा और पीछे से जो ये जो लाइन है डायरेक्टली उसके ऊपर जो है एयर फोर्स एयर जो है ब्लो करवा के उसको जो है कूल कर लेता है। इस जो लूप है उसके बाद जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है वो डायरेक्टली आ गई ये वाली लाइन से, इस लाइन से आके डायरेक्टली जो है कहाँ चली जाती है, U12 पैनल के पीछे चली जाती है। U12 पीछे पैनल के जाने के बाद
U12 पैनल से ही एक लाइन निकलती है और जो है एक इस पे इनलेट पे आ जाती है हमारे जो है टैंक के, और फिर वापस जो है टैंक से निकलने के बाद दोबारा चली जाती है कहां पे, U12 पैनल पे ही चली जाती है। क्यों? U12 पैनल पे ही वापस जाएगी क्योंकि आपको पता है कि टैंक के बाद हमारे दो कंपोनेंट पड़ते हैं U09 और U10 यानी U10 आइसोलेटिंग कॉक्स पड़ती है, इसलिए टैंक का जो इनपुट है और आउटपुट है वो डायरेक्ट ना होके U12 पैनल से ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा जो हमारा ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर है, यानी जो हमारे सिस्टम की अगर हम जो है चालू करने वाले हैं, जो सबसे पहला कंपोनेंट पड़ने वाला है जब कोई ओएचई की सप्लाई हमने सिस्टम में नहीं दे रखी है, तो पेंटोग्राफ को कैसे उठाना है वो हमारे जो है ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर से उठाना है। हमने आपको बताया कि जो है एक सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग जो है कंप्रेसर है जो कि बैटरी से डायरेक्टली ड्रिवन है, और ये इस पर एक प्रेशर गवर्नर लगा है जो कि 6 से 7 kg/cm² के प्रेशर के बीच में इसे जो है रेगुलेट करने में मदद करेगा। वहीं अगर सप्लाई जा चुकी है मैक को भी और मैक ने भी जो अपना प्रेशर आना चालू कर दिया है, जैसे ही उसका प्रेशर 7.5 kg ये डिटेक्ट कर लेगा तो उसके प्रेशर को जो है फीड ले लेगा। और वो कैसे होता है, वहाँ पर एक चेक वाल्व लगी हुई है, वो हमने पहले पैनल में खोल के आपको दिखाई थी, एक जो है बेबी कंप्रेसर की तरफ की जो है चेक वाल्व थी, एक जो है हमारे MR के सर्किट की चेक वाल्व थी, MR की लाइन हमने आपको दिखाई कि जो ऊपर से जो MR की लाइन आ रही है वो दिखाई, इसके बाद जो है दो U29 और U30 की जो लाइन आउटपुट में जाती है यानी एक पेंटोग्राफ के लिए और एक जो है VCB के लिए वॉली लाइन हमने यहाँ पर से आपको दिखाई, और फिल्टर कंपोनेंट जो मेन हम जो सीरीज कर रहे हैं फिल्टर क्लीनिंग की, फिल्टर क्लीनिंग का हमने आपको यहाँ पर से आपको दिखाया था। तो फिल्टर क्लीनिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हम अपने मोस्ट ऑफ द फिल्टर्स यानी मैक्सिमम फिल्टर्स हम कवर कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे आने वाली सीरीज में फिल्टर क्लीनिंग की सीरीज में हम जो है कोशिश करेंगे कि अपना जो बचा कुचा हमारा फिल्टर है, जैसे अभी ट्रैक्शन मोटर का जो फिल्टर बचा हुआ है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।